हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो हैशटैग श्रेयशिल्पी और मैं हूँ गाइस शिल्पा। सो दोस्तों, ये आप देख रहे हो ना, मैं साग चुन रही हूँ। ये है बंगाली में, इसे हम लोग कहते हैं कलमी साग, और इसे हिंदी में भी शायद कलमी साग ही कहते हैं, मुझे नहीं पता है इसे क्या कहते हैं हिंदी में। तो बंगला में हम लोग कहते हैं इसे कलमी साग। और ये साग जो है मेरा फेवरेट साग है, मुझे बहुत पसंद है ये। सो आज मैं ये बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं मार्केट गई थी, मार्केट नहीं, मेरे घर के सामने में ही सब्जी लगे हुए हैं, सब्जी भाजी सब मिल रहे हैं, तो मैं वहीं से लेकर आई हूँ। तो अभी सुबह सुबह मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं चुन लूँ। और इसको जो है ना, मैं जो है सिर्फ पत्ते जो है मैं डालती हूँ। आप चाहो तो इसकी जो ये डंडी है ये भी डाल सकते हो, बट मैं नहीं डालती क्योंकि अकेली हूँ तो उतना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मैं सिर्फ पत्ते ही डालती हूँ। और ये जो डंठिया आप देख रहे हो, मैंने इसे अलग से रखा हुआ है, इनको मैं टब में लगा दूंगी, तो इससे बहुत अच्छे हरे हरे पत्ते भी निकल आते हैं। और मैंने ये मम्मी के यहाँ भी लगाया है, पहले भी लगा चुकी हूँ मैं, तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं कैसे लगाती हूँ, और जब इस पर पत्ते आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। सो इसीलिए मैंने इसे अलग छांट के रखा हुआ है, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये अलग से मैं पत्ते निकाल के बस किसी को मैं टब में डाल दूंगी, तो ये इससे पत्ते निकलने लगते हैं। इसी तरह आप कोई भी साग लगा सकते हो। सो अभी मैं चुन रही हूँ, क्योंकि ये चुनना भी बहुत बड़ा काम होता है, इसमें बहुत टाइम चला जाता है। सो मैं अभी सुबह सुबह चुन ले रही हूँ। आपको साग खाना कैसे लगता है जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि मुझे तो साग बहुत पसंद है, बट श्रेयांश को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल खाना नहीं चाहता है साग, बट मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि श्रेयांश भी थोड़ा खा ले, खा लेता है बट उसे पसंद नहीं है, डांटती हूँ तो खा लेता है। कभी भी आप साग चुनो तो पहले जो है ये पत्तों को इस तरह से आप झाड़ लें, ताकि अगर इस पे कोई कीड़े मकोड़े भी रहे तो वो निकल जाए, वरना वो इसी में रह जाते हैं, छोटे छोटे बहुत कीड़े होते हैं। फिलहाल तो इस पर है नहीं, ये बिल्कुल फ्रेश है, बट फिर भी मैं कर लेती हूँ। ये है हमारा टेस्टी टेस्टी मछली। आज हमारा जो है, मैं फिश लेकर आई हूँ, मैं मार्केट गई थी तो मैं फिश लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैं फिश नहीं ला रही थी, क्योंकि मैं मार्केट निकल ही नहीं रही थी। मैं बिल्कुल लॉकडाउन का जो है मज़े मैं घर पर ले रही थी, मैं एक बार भी नहीं निकली थी, बट आज मैं सुबह सुबह निकली हूँ तो मैं फिश लेकर आई हूँ और मैं वही बना रही हूँ गाइस। अभी ये देखिए गाइस, मैंने इसे कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे हम लोग साग बनाते हैं वैसे ही मैंने इसे कट किया है कुछ इस तरह से। और अब मैं इसे वॉश करूँगी, तो इसके लिए मैंने जो लिया है एक बड़ा सा पतीला लिया हुआ है, क्योंकि ये जितने भी साफ दिखे बट इसे आप अच्छी तरह से वॉश करना दोस्तों। ये देखने में तो फ्रेश लगते हैं, तो गाइस कुछ इस तरह से मैं इस पर जितने भी है साग मैं सबको डालूंगी और इसे अच्छी तरह से वॉश करूंगी, क्योंकि देखने में ये लगते तो हैं साफ बट ये होते नहीं हैं, अंदर से इसमें बड़े गंदे रहते हैं। तो मैं अच्छी तरह से इन्हें वॉश करूंगी पहले एक बड़े से पतीले में। आप चाहे तो इसे कुछ देर तक इसी तरह छोड़ भी सकते हो पानी में,
और ये देखने में तो लगते हैं बहुत सारे, बट जब ये बनते हैं तब बहुत कम हो जाता है ये। और अब मैं इसे, ये मैंने नेट रखा हुआ है, इस पर मैं डालूंगी ताकि इसका जो पानी है ये झर जाए कुछ इस तरह से। इस तरह से देखिए दोस्तों, नीचे गंदगी जो भी रहेंगे इसमें ये नीचे चले जाते हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक नीचे चला जाता है अगर गंदा रहे भी। और इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर मैं भी बनाऊंगी इसे। और आज मैं मार्केट गई थी सो मेरे पास आज सब्जी भी बहुत सारे हो गए हैं और फिश भी लेकर आई हूँ मैं, सो लगता है आज का खाना जमने वाला है हमें, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं हम जैसे तैसे खाना खा रहे थे, मैं निकल भी नहीं रही थी एक्चुअली, मुझे मन ही नहीं कर रहा था निकलने का, सो मैं निकल भी नहीं रही थी। आज मैं निकली हूँ तो मैं लेकर आई हूँ सब चीज़ें। ये देखिए गाइस कुछ इस तरह से ये हमारा साग जो है धुल गया है, अब मैं इसे बनाऊँगी। চওড়া টপগুলো হলে ভালো হতো। সো গাইস কুছ ইস তরহ সে মানে অলগ অলগ ছাঁট লিয়ে হ্যায় জো মোটে মোটে থে ডন্ঠি মানে উনকো ছাঁট লিয়ে হ্যায় মানে। अब मैं इनको एक एक साथ में दो तीन, आप इतना भी डाल सकते हो, मैं तीन तीन डाल रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं तीन डालूँगी तो तीन ही बचेंगे, इनमें से हो सकता है एक बचे या फिर दो बचे, तो मैं तीन तीन डाल रही हूँ। मेरे पास एक्चुअली टब खाली नहीं है तो मैं इसको भी डाल रही हूँ कुछ इस तरह से। क्वालिटी बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं अब सबको लेकर एक साथ डाल रही हूँ बीच में।
क्योंकि इस पर जगह नहीं है। मैं जितने भी है मेरे पास है तो बहुत सारे बर्स जो जो मोटे मोटे डंठे हैं मैं उन्हें को डाल रही हूँ। सबको मैं एक साथ लेकर मिडिल में डाल दूंगी ताकि इनमें से जितना भी बचना हो वो बच जाए, बाकी मैं निकाल लूंगी बाद में। इस तरह से मैंने मिडिल में भी डाल दिए। आज करती हूँ और अब इस पर पानी डालेंगे। इनको मैं नहीं डालूंगी क्योंकि यहाँ बहुत सारे हैं और मेरे पास जो टब है उसमें जगह बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही छोटा सा टब है सो इस पर इतने सारे आएंगे नहीं, तो जितना भी हुआ मैंने डाल दिया इस पर। इस पर मैं पानी डाल दूंगी, हल्के हाथों से देना है। और हाँ गाइस, ये जो है इस पर बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, सुबह शाम आप देते रहिए क्योंकि ये जो है ये पानी में ही उगते हैं। मैं इसी तरह इसको छोड़ दूंगी, अभी एक दो दिन में पता चल जाएगा कि कौन सा लग गया है और कौन सा नहीं लगने वाला है। कुछ इसी तरह से मैं छोड़ दूंगी। सो गाइस, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है मेरे कोलमी साग, ये मैंने लगा लिए हैं। मेरे पास जितने थे उतने तो मैं नहीं लगा पाई क्योंकि जगह इस पर कम था। सो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लग चुके हैं, आप दो चार दिन में पता चल जाएगा। तो गाइस, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारा खाना जो है रेडी हो चुका है। ये मैंने बनाया है साग और इसमें मैंने डाले हैं बादाम, मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी भी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। इसके अलावा ये है फिश, इसे हम लोग बंगाली में कहते हैं माछे पातुरी। इसके साथ मैंने आलू मिक्स किया हुआ है। तो इसकी रेसिपी अगर आपको जाननी हो तो मैं आपको अपने आई बटन पे मैं इसकी रेसिपी दे दूंगी, आप वहाँ पे देख सकते हो या फिर मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हो क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। इसके अलावा गाइस है, ये है लौकी विथ माछेर मूड़ो, यानी कि फिश का जो सिर होता है उसके साथ मैंने लौकी को बनाया है मिक्स करके। इसकी भी रेसिपी अगर आपको देखनी हो गाइस तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, मैं ऑलरेडी इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। और है क्यूकुम्बर यानी कि खीरा। सो गाइस, ये है हमारा आज का लंच, तो हम चले लंच करने गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी आपको इनमें से कोई भी रेसिपी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ गाइस, बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।
गाइस ये जो साग है इसे आप ट्राई करके देखो, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है ये, खाना भी बहुत अच्छा है और ये मुझे तो बहुत पसंद है। आप एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये साग बहुत पसंद आने वाला है, बस आप एक बार ट्राई करके देखो। अगर तुम्हें चाकर दिखाओ तब तक हाथ तक तो बहुत ना नॉर्मल। अस्त अस्त खाओ। अलविदा।